Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is metallic bond. First आपके साथ discuss की गई है metallic bond की definition. ये bond नाम से ही आपको पता है. Metals में आप बात कर रहे हो, metal atoms में जो bond बनता है due to mobile or free electrons उसको कहा जाता है metallic bond. आप metals के कुछ properties पढ़ चुके हो कि इनका high melting और boiling point होता है, ये good conductor हैं heat और electricity के, और ये hard होते हैं और they are heavy in nature. अब ये तमाम प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की वजह से. जैसा कि आप मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हो कि इनके तमाम एटम्स का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और वो लार्ज साइज एटम्स क्यों होते हैं इनमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते रहते हैं. अब उन नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ करने की वजह से और एटम का साइज़ लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बहुत कम होता है, और यहाँ पे मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है. इस वजह से मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज़ कर सकते हैं. इस वजह से क्या होता है कि ये जितने भी लूज़ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तमाम मेटल एटम्स के, ये मेटल एटम्स के दरमियान जो स्पेसिस होंगी वहाँ पर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर एटम को बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये एक कॉमन पूल को बिलोंग करते हैं, या फिर किसी मेटल के तमाम एटम्स को बिलोंग करते हैं. अब जो मेटल एटम्स के न्यूक्लियाई हैं वो इस तरह शो होते हैं जैसे वो एक समुंदर के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर के अंदर डूबे हुए हैं. ठीक है, ये तमाम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस मेटल के तमाम एटम्स को होल्ड करने के लिए, और वो किस तरह होल्ड करते हैं, एक मेटेलिक बॉन्ड बनाकर. जैसे कि देखिए आपको फिगर में शो किया गया है, ये आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम शो की गई है, डायग्राम ऑफ कॉपर वायर, जहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई है और इस तरह है एम्बेडेड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो डॉटेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने एक मेटालिक बॉन्डिंग के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा हुआ है. ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको सारे देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नज़र आ रहे हैं.